हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल मेडिजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर एंड आई एम योर मनोज कुमार सक्सेना। प्लीज स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट, टू गेट एवरी अपडेट फर्स्ट। एंड यू स्टूडेंट्स एंड यू आर टू लाइक एंड share my videos. Now I am going to solve a question based on the double integration. देखें students, एक double integration पर based question लेकर के आया हूँ। शुरू से videos देखते हुए आइएगा serial wise, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, किसी भी प्रकार की कोई problem नहीं होगी। देखते हैं students, यहाँ पर dy और dx के respect में double integration करना है। यहाँ पर x के respect में और बाई के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ ये हुआ कि हमारे पास में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से यहाँ स्टूडेंट्स किसी लिमिट में कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो हमें एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है बाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ये बाई की लिमिट है, बाई इक्वल टू जीरो है ये, और ये बाई इक्वल टू एक्स है। तो ये स्टूडेंट्स चलो नीचे लिखेंगे, पहले मैं आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, सोल्यूशन देता हूं। लेट सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, लेट इसे आई एज्यूम कर ले, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो x और y हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से पता चला हमें कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और y के रेस्पेक्ट में, तो x और y हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। तो स्टूडेंट्स देखिए, लिमिट हमें क्या किसी वेरिएबल में दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स लोअर लिमिट तो हमारे पास में एक कॉन्स्टेंट नंबर है, और एक जो अपर लिमिट है वो इस पर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल यूज करके दिखाई गई है, तो एक्स वेरिएबल यूज किया गया। तो मतलब ये हुआ हमारे पास में कि ये बाई की लिमिट है, बाई इक्वल टू जीरो, बाई इक्वल टू एक्स। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले हमारे पास में जैसे स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन में जैसे इस तरीके से लिखा हुआ होता था एक्स क्यूब डी एक्स टू टू फाइव, तो ये किसकी वैल्यू होती थी, हमारे पास में एक्स की वैल्यू होती थी, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे। तो अब हमारे पास में स्टूडेंट से जब बाई की वैल्यू है, बाई की वैल्यू जीरो है लोअर लिमिट में और बाई की वैल्यू एक्स है, तो बाई की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, बाई के रेस्पेक्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किस प्रकार से करेंगे, तो देखते हैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाई के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, वन टू टू, और यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वाई फ्रॉम जीरो टू एक्स, और ये डी एक्स का इंटीग्रेशन बचा हमारे पास में, बाहर लिख लेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखने की है, वेरिएबल्स यूज हुए थे एक्स और वाई, हमारे पास में लिमिट पता चल गई कि हमारे पास में ये लिमिट किसकी है, बाई की है, तो बाई के रेस्पेक्ट में ही क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब दूसरा वेरिएबल स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो दूसरा वेरिएबल कौन बचा, एक्स, तो एक्स कैसे किया जाएगा, एक कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट करा जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें इंटीग्रेशन का यहाँ फॉर्मूला जो भी आते जाएंगे मैं आपके लिए साथ साथ बताता जाऊँगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको किस तरीके से, ये हमारे पास में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ये स्टूडेंट्स क्या है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन कॉन्स्टेंट के तरीके से यूज हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास में देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, दूसरा बचा हुआ जो हमारे पास में
कांस्टेंट था उसे देखा था। यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट कौन यूज हो रहा है, कांस्टेंट के तरीके से एक्स, तो वन अपॉन एक्स, क्योंकि वन अपॉन कांस्टेंट लिखा गया था टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ये इंटीग्रेशन आएगा इसका। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करते हैं, देखिए क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन अपॉन एक्स टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स लिमिट जीरो टू एक्स, और ये डी एक्स एज इट इज उतार दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें कि लिमिट किसके स्थान पर पुट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, बाई के रेस्पेक्ट में, तो बाई के स्थान पर क्या करा जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट की जाएगी। तो बाई के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो देखें स्टूडेंट्स बाई के स्थान पर पुट करेंगे एक्स एज इट रहेगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, एक्स के स्थान पर अपर लिमिट पुट कर ली और एक्स एज इट इज रहने दिया, माइनस वन अपॉन एक्स टेन इनवर्स। अब लोअर लिमिट किसके स्थान पर पुट करेंगे, बाई के स्थान पर, क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया, तो जीरो अपॉन एक्स, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दें डी एक्स। अब स्टूडेंट्स आके देखते हैं यहां क्या हो गया, स्टूडेंट्स यह हो गया वन अपॉन एक्स टेन इनवर्स वन, और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया टेन इनवर्स जीरो, वन अपॉन एक्स टेन इनवर्स जीरो डी एक्स। और स्टूडेंट्स टेन इनवर्स जो हमारे पास में वन है, उस टेन इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, देखिए मैं यहां पर समझा देता हूं, टेन इनवर्स वन की वैल्यू, देखिए टेन इनवर्स वन, वन किसकी वैल्यू है, टेन की ही देखना है, टेन फोर्टी फाइव की, मीन्स टेन पाई बाई फोर की, टेन पाई बाई फोर रख दिया। और स्टूडेंट्स टेन इनवर्स टेन, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है हमारे पास में पाई बाई फोर, तो क्या हो जाएगी पाई बाई फोर हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पर सोल्यूशन देते हैं इसका, आई इक्वल टू हमारे पास में क्या चल रहा है वन टू टू, वन टू टू इंटीग्रेशन करेंगे वन अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर जीरो लिख देंगे, और ये जीरो किसकी वैल्यू होती है, टेन जीरो की ही वैल्यू होती है, तो जीरो, और ये क्या आया जीरो आया हमारे पास में, तो ये जीरो आया वन अपॉन एक्स की जीरो से मल्टीप्लीकेशन हुई जीरो आया, तो ये यही रह गया। अब आगे सॉल्व करते हैं पाई बाई फोर, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट्स वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में है लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स टू द बेस ई, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स टू द बेस ई, और स्टूडेंट्स लिमिट क्या है इसकी, वन लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है टू। अब देखें पुट कर देते हैं वैल्यूज, पाई बाई फोर लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टू टू द बेस ई माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ वन टू द बेस ई, तो पहले क्या करा एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो एक्स के स्थान पर अपर लिमिट पुट करी, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस का साइन यूज करके एक्स के स्थान पर ही, और स्टूडेंट्स पाई बाई फोर लॉग ऑफ टू टू द बेस ई माइनस लॉग ऑफ वन की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है जीरो होती है, तो ये जीरो हो गई, तो क्या सोल्यूशन आ गया आई इक्वल टू हमारे पास में पाई बाई फोर ऑफ लॉग ऑफ टू टू द बेस ई सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया सॉल्व कर दिया गया। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, तो देखें स्टूडेंट्स इसे रब किए देता हूँ।
किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे लिए कमेंट्स द्वारा ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो आप क्या कर सकते हैं, मेरे जो वीडियो चल रहे हैं उनमें व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस व्हाट्सअप पर नंबर पर क्या कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो ले करके क्वेश्चन की आप सेंड कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन का ये है, वन अपॉन वन प्लस एफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और स्टूडेंट्स इसमें लिमिट है जीरो से वन और जीरो से स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका, क्या है सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स इसके लिए आई एज्यूम कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये देखें कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, एक्स के और वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है चाहिए डबल। तो हमारे पास में एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं यहाँ पर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से ही ये देखें कि क्या कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिमिट में यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये स्टूडेंट्स बाई की वैल्यू हो गई। कौन सा इंडिपेंडेंट, एक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो कौन सा बचा, बाई बचा, बाई इक्वल टू जीरो हो गया, और ये स्टूडेंट्स बाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो बचा हुआ वेरिएबल कौन हो गया, एक्स, तो ये एक्स की लिमिट हो गई, एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बाई की ही ये लोअर लिमिट है, बाई की लोअर लिमिट जीरो और बाई की लोअर लिमिट हमारे पास में जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखें स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इसके लिए जीरो टू वन, जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन डी वाई डी एक्स। एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बाई के अलावा जो भी बची हुई टर्म है वो हमारे पास में क्या होगी, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट की जाएगी, दूसरा वेरिएबल एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो एक्स वेरिएबल बचा तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करा जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो हमारे पास में इस तरीके का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में दिखाई देता है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता तो इस तरीके से दिखाई देता ये, तो यहाँ पर बाई स्क्वायर होता। अब यहाँ पर बाई स्क्वायर के अलावा क्या है, ये है स्टूडेंट्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर क्या करना चाहता हूँ, मैं होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। तो होल स्क्वायर देखें, जैसे मेरे पास में फाइव है, इसका होल स्क्वायर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करूँगा, रूट फाइव टू द होल पावर टू। तो देखें स्टूडेंट्स ये फाइव ही तो हुआ, तो इसी प्रकार से इसको किस प्रकार से रूट लगा दें, वन प्लस एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर कर दें। तो ये और ये सेम ही तो है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर टू लगा दिया, प्लस बाई स्क्वायर ये है जेटे जे लिखा दिया। अब स्क्वायर ए क्या हो गया हमारे पास में, ए हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन ए टेन इनवर्स बाई अपॉन ए, क्या हो गया हमारे पास, बाई अपॉन ए। तो देखें स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन ए, ए क्या है स्टूडेंट, ए है स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स
बाई अपॉन ए, बाई अपॉन ए, ए क्या है स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें, लोअर लिमिट थी जीरो, अपर लिमिट थी वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला 50 मैंने लिख दिया। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए रख कर देता हूँ। देखते हैं क्या चलेगा आप आगे। इसे स्टूडेंट्स देखिए क्या कर देते हैं, लिमिट यूज कर देते हैं, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाय के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो बाई के स्थान पर ये अपर लिमिट रखेंगे और बाई के स्थान पर ये लोअर लिमिट रखेंगे, तो टेन इनवर्स बाई के स्थान पर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस, अब ये लोअर लिमिट रखेंगे इस पूरे में किसके स्थान पर, बाई के स्थान पर, तो दिस टेन इनवर्स जीरो अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, लिमिट की वैल्यू पुट कर ली। अब आगे सॉल्व करते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स, देखिए इससे ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई तो टेन इनवर्स वन आया हमारे पास, टेन इनवर्स वन माइनस वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स जीरो को जब स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो जीरो आया, तो ये जीरो डी एक्स जीरो टू वन, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट्स टेन इनवर्स वन की वैल्यू जो है हमारे पास में पाई बाई फोर होती है, अभी मैंने दिखाया था आपके लिए पाई बाई फोर पिछले क्वेश्चन में, और ये स्टूडेंट्स वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो की किसी से मल्टीप्लीकेशन जीरो ही हो जाएगी, ये डी एक्स हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे करते हैं, पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है जीरो टू वन, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला है देखिए, पाई बाई फोर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें ये फॉर्मूला बनना, ये वन का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो हमारे पास में क्या हो गया, इंटीग्रेशन इसका हुआ लॉग ऑफ एक्स प्लस सॉरी ये लॉग है स्टूडेंट्स, ये बाहर लिखा गया, क्या लिखा जाएगा, बाहर लिखा जाएगा लॉग ऑफ दिस टू द बेस ई, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए क्या है वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन टू द बेस ई। अब स्टूडेंट्स इसे रब किए देता हूँ मैं स्पेस की शॉर्टेज की वजह से, आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन हो गया, क्या कर देते हैं, लिमिट यूज कर देते हैं जीरो से वन तक, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट की जगह पर हम वन पुट करेंगे, फिर एक्स के स्थान पर ही जीरो पुट करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन स्क्वायर टू द बेस ई, ये पुट कर लिया माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लॉग ऑफ जीरो प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर टू द बेस ई, ये लोअर लिमिट पे पुट कर ली, पाई बाई 4। यहाँ स्टूडेंट्स देखें, 1 प्लस रूट 2 लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2 टू द बेस ई, और यहाँ स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, तो उसी को दिया मैंने फिर नहीं लिखा, तो आई की वैल्यू क्या कर दी मैंने, सॉल्व कर दी है, आंसर आ जाएगी आपको। तो स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे लिए कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।